हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर ट्यूब में। तो आज मैं आपको ऐसी कहानी के बारे में बताना चाहूँगा जिसको फील करके खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तक के होश उड़ गए थे। तो वो स्टोरी क्या थी, चलिए जानते हैं इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है मुकेश मिल की, जो मुंबई के कोलाबा में स्थित है। मुकेश मिल को 1870 में बनाया गया था और इस मिल के ओनर का नाम मुचली भाई माधवानी था। पर 1970 में किसी अननोन कारण की वजह से मिल में आग लग गई। तब से ये मिल बंद पड़ी है और लोगों को हॉन्ट कर रही है। इस मिल में लोगों के साथ बहुत तरह की घटनाएं हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गौरव तिवारी, जो इंडिया के IPS इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर है और नंबर वन इन्वेस्टिगेटर थे और इनका फेम पूरी दुनिया में है, तो वो और उनकी टीम एक बार मुकेश मिल में आए, क्योंकि उनके आने से एक दिन पहले इस मिल से किसी के गाना गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वो अपनी टीम में दो क्रू मेंबर, जिनका नाम था सिद्धार्थ और एक रिया, उनके साथ मिल में गए। तकरीबन 1 बज रहे होंगे। गौरव जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उनके सामने से उन पर कोई टॉर्च मार रहा था। तो वो सोच रहे थे कि कोई वॉचमैन होगा, पर इस मिल में सदियों से किसी को काम पे नहीं रखा था। तो वो क्यूरियस हुए कि आखिर वो है कौन। थोड़ा पास गए तो देखा कि पुराने कपड़े में कोई शॉल ओढ़ के वहाँ पे खड़ा है। फिर सडन उनके पीछे सिद्धार्थ की भयानक आवाज है, जैसा लग रहा था कि कोई उनका गला दबा रहा है। तो वो उनकी तरफ देख के वापिस जब सामने की तरफ देखा तो आकृति गायब हो चुकी थी। तो सिद्धार्थ के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? इतना बोलना हुआ कि रिया की आवाज़ आती है। तो वो दोनों वहाँ पे भागते हुए पहुँचते हैं और देखा कि रिया डरी हुई है। जब उससे पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ, तो बोलते हैं कि मुझे सामने किसी की आकृति नजर आई जो मेरे को देख के एक शैतानी हंसी दे रही थी। अब ये एक के बाद एक सडन हो रहा था, तो गौरव सर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनको ये भी था कि हम करें तो करें क्या। तो उन्होंने यहाँ से फटाफट निकलने का सोचा और उन्हें देखा कि सिद्धार्थ उनके पास से गायब है। तो सिद्धार्थ को ही ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ जाते हैं। तो देखते हैं कि सिद्धार्थ बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होता है और गौरव सर उनको पूछते हैं कि तू बाहर क्या कर रहे थे अकेले। इतने में सिद्धार्थ का जो बोलना हुआ, तो जैसे ही वो बोले तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ बाहर से और मैं आज थोड़ा लेट हो गया था। तो जैसे ही गौरव सर ने सुना तो उनके तो होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत यहाँ से निकलने का डिसीजन बनाया। तो दोस्तों, ये थी मुकेश मिल की एक सच्ची कहानी, जो खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ हुई। और वहाँ पर जो भी जाता है सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो ही जाता है। इवन ये जगह पर बॉलीवुड की शूटिंग भी हुई, लाइक सड़क, अग्निपथ, राजू बन गया जेंटलमैन, जिंदा, जुर्म, जमाना, दीवाना, गद्दार और प्यार के साइड इफेक्ट्स। इन मूवी की शूटिंग में लोगों ने बहुत सी पैरानॉर्मल घटनाओं को महसूस किया। इवन अमिताभ बच्चन, विपाशा बासु और रीमा सेन के खुद के इंटरव्यूज भी हैं इन घटनाओं को लेकर। अब वो क्या है, अगर आपको उस पर वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।